लहर को जब तक वो जल ही है इसका खबर नहीं मिलती। जल में जो लहर उठी है वो जल से ही है, जल में ही है और जल रूप ही है, लेकिन उसको खबर जब तक नहीं है तब तक उसको दूसरी लहरों से भय है, मिटने का, अपमानित होने का, मारे जाने का। जल में बहुत लहरें देखी है ना सबने, तो जल में उठने वाली लहर को जब तक ये पता नहीं चल जाता कि मैं जल रूप हूं तब तक दूसरी लहर से अपमानित होने का, मिटने का, मरने का भय है। ऐसे ही मनुष्य को जब तक ये पता नहीं चल जाता कि मैं चेतन ही हूं तब तक दूसरे व्यक्ति से अपमानित होने का, दूसरे व्यक्ति से कमजोर होने का, दूसरे से गरीब होने का और दूसरे से मारे जाने का भय है। ठीक पता नहीं चलता मैं चेतन ही हूं, ये अनुभव जब तक नहीं हो जाता जब तक सारे अब चेतन ही हूं ये अनुभव कैसे हो जाए, उस विज्ञान का नाम साधना है, भजन है, भक्ति है, ध्यान है, उसी विज्ञान का नाम, जिससे पता चल जाए कि मैं चेतन ही हूं। लहर को यह पता चल जाए मैं जल रूप हूं, अब उसको कौन मार सकता है, कौन मारेगा उसको, जब जल ही है तो सब जगह है, अब क्या मिटना है, कौन अपमानित करेगा। ऐसे ही मनुष्य को पता चल जाए कि मैं चेतन ही हूं तो आप देखिए चेतन जैसे पौधे हैं इनमें भी चेतन शक्ति है, उसी से तो ये बढ़ रहे हैं, उसी से फूल खिल रहे हैं। हर एक प्रकृति की जो भी ट्रैक पत्थर ही क्यों ना हो उसमें चेतन शक्ति धन सुसुप्ति में है, तो चेतन शक्ति से ही अस्तित्व है। तो अपने को चेतन शक्ति का पता कैसे चले, वो जो तरीका है उसका नाम भजन है, उसी का नाम ध्यान है, वही भक्ति है। कैसे चल जाएगा, तो जैसे छोटा बच्चा होता है तो बहुत खिला हुआ ताजा दिखता है क्योंकि शरीर नया है, तो चेतन शक्ति इस शरीर में आराम से खेल रही है। वही छोटा बच्चा जब वृद्ध शरीर हो जाता है तो चेतन शक्ति उसमें खेल नहीं सकती क्योंकि जोड़ों में दर्द है, नसों में खून गाढ़ा हो गया है, जहां मैंने लगा अब आराम से खेल नहीं सकता। इस चेतन शक्ति जिससे शरीर क्रियाशील है इसको पहचानने के लिए प्राणायाम, ध्यान, कीर्तन ध्यान, भजन, प्रणव वज्रण ये सब चीजें हैं। लेकिन वेदांत को सुनने से ये डायरेक्ट भी चेतन समझना, ये प्राणायाम वगैरह करने से चेतनता बढ़ती है, फ्रेशनेस बढ़ती है, ताजगी बढ़ती है, फिर उसको ताजगी को और बढ़ाते जाओ। लेकिन वो क्रिया के द्वारा जो बढ़ी हुई ताजगी चेतनता है वो क्रिया छोड़ने पर छूट जाती है। जैसे साधना की शिकायत होती है कि भाई ध्यान में बरकत में ध्यान करते हैं ऊँचे उठते हैं फिर डाउन हो जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं फिर डाउन हो जाते हैं, तो डाउन होते जाते हैं तो एक दिन तो शरीर बूढ़ा होगा, फिर तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे। तो शरीर बूढ़ा होने से पहले उस सत्य का पता चलना चाहिए, योगासन ध्यान प्रण हकीकत में सत्य तो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन सत्य को समझने की योग्यता इनसे विकसित हो जाती है, ध्यान से, भजन से, कीर्तन से, जो सत्य परमेश्वर है, चेतन है, उसको समझने की योग्यता विकसित हो जाती है। जैसे श्वास को बाहर रोक दिया, भीतर रोक दिया, या वस्त्र का प्राणायाम किया, या एकांतवास किया, तो उससे जो बढ़ा तो आपका क्या बढ़ा, समझने की शक्ति, और फिर सुनना पड़ता है। अब उसके बारे में सुनो, तो जब सुनते गए हम तो सुनते सुनते जैसे जल है उसमें लहर है, तो लहर को वो जल रूप है ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा सुनो, लहर है वो जल में है, जल से ही है, जल रूप ही है, लेकिन उसको ये कौन बताएगा, वो कैसे अनुभव करेगी जल रूप है। ऐसे गढ़ा है मिट्टी का, वो मिट्टी में ही है, मिट्टी से ही है,
मिट्टी ही है, लेकिन दूसरे ग्रह से डर रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो रूप तो मर जाएगा लेकिन क्या मिट्टी मर जाएगी? घड़े में तो मिट्टी है, घड़ा फूट गया तो क्या मिट्टी भी खत्म हो गई? मिट्टी खत्म हो ही नहीं सकती। लेकिन जब तक उस घड़े को यह पता है कि मैं सिर्फ घड़ा हूं, जो है रूप जो है वही पता है, जैसे हमें ये आकार है, हम ये मैं, ये जो आकार दिख रहा है इसका पता है कि मैं यही हूं, तब तक मृत्यु का भय रहेगा। लेकिन जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा कि ये जो दिखने वाला है ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, ये तो कुछ समय पहले बना है और कुछ समय बाद घट जाएगा, लेकिन मैं इसके बीच में, जैसे दो चक्की होती है उसके बीच में कील होती है, तो गेहूं डालो आप उसको घुमाओ, गेहूं पिस जाएगा, मूंग पिस जाएगा, दाने पिस, सब कुछ पिस जाएगा। अब वो पिसता हुआ देख करके जो तो कील है बीच में वो रोने लगे कि रे सभी पीछे जा रहे हैं, कहीं मैं ना पिसता हूँ। अब आप वो पिसेगी? वो तो आधार है, वो कैसे पिस सकती है? उसी प्रकार ये चेतन जो शक्ति हमारे भीतर आत्मा, ये तो आधार है, ये जो तमाम दुख है इसका वो आधार है। कौन? मैं, चेतन शक्ति। तो आधार से ये सारा जगत बना हुआ है, आधार कैसे पिस जाएगा? जैसे आकाश है, आकाश में पृथ्वी है, आकाश से ही है जितने भी तारे सितारे सूरज चांद पृथ्वी सब कुछ। तो सूरज की गर्मी से कोई आकाश जल जाएगा? कैसे जल जाएगा? क्योंकि आकाश से ही तो सूरज का अस्तित्व है, आकाश नहीं है तो सूरज है ही नहीं। ऐसे जो चेतन शक्ति है वो इस जीवन की आधार है। चेतन शक्ति कभी कुछ नहीं हो सकता। जैसे लहर है उसमें जल एक अस्तित्व है, उस जल का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लहर का जो आकार है वो हर पल बदल रहा है। कभी समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठ के देखो तो लहर का आकार हर पल बदल रहा है, उठी फिर फैल गई फिर दूसरी तरफ दो टुकड़े हो गए उसके, जैसे एक इंसान है शादी किया दो हो गए, फिर बच्चा हो गया तीन हो गए, फिर और बच्चा चार हो गए, ऐसे एक लहर को आप देखो तो एक लहर से दो लहर चार लहर पाँच लहर एकदम से सारे सारे मिल गए, फिर एकदम से बड़ी लहर बन गई। ये सब खेल आप देख सकते हैं, ऐसे ही ये मनुष्य जीवन का है। लेकिन इसके पीछे जो आधार है, जो निगाहों के पीछे से देख रहा है, वो जो चेतन शक्ति है वो कभी कुछ नहीं देखता। और वो जिस दिन मैं हूँ ये अनुभव हो जाएगा, उस दिन आप खुश हो गए, जीवन मुक्त हो गए, सब दुखों से पार हो। वो जो चेतन शक्ति है जिस दिन मैं करके अनुभव हो जाएगा कि मैं ही हूँ, जैसे भगवान शंकराचार्य हुए उन्होंने अहम ब्रह्म की घोषणा की, मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं का मतलब शंकराचार्य जी एक अकेले ब्रह्म नहीं, टोटल ब्रह्म है। आद्य जगत गुरु ये बता रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं ये मुझे पता चल गया, तुम भी हो, अब तुम उसकी खबर करो, तुम उसका पता करो। मैं तो परमात्मा हूं लेकिन तुम भी पता करने की कोशिश करो कि तुम भी वही हो। लेकिन जैसे घड़े का अपने आकार पर ध्यान है, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य का अपने शरीर और रूप पर ध्यान है। और जब तक ये रहेगा आपको दुख से कोई दुनिया की शक्ति बचा नहीं सकती, मृत्यु से कोई डॉक्टर बाहर निकाल नहीं सकता, क्योंकि जो जन्मा है उसका मरना और संबंध है। और वो जो जन्मा है वो आप हैं, ये वो देखो जो है ही नहीं उसको मैं करके पकड़ा हुआ, जो है उसकी कोई खबर नहीं, इसलिए उसकी खबर लेने के लिए संतों के पास बैठना होगा, उस वेदांत को सुनना होगा। अभी ये शरीर है, स्वप्न में दूसरा शरीर हो जाता है, उस शरीर में भी आप ही देख रहे होते हैं, इस शरीर में भी आप ही देख रहे होते हैं, और गहरी नींद में दोनों शरीर गायब हो जाते हैं, लेकिन आप को होते हैं, कभी खबर देते हैं कि नींद बहुत अच्छी है। अब वो जो खबर देने वाली शक्ति है वो कौन है? वही चेतन जिसने इस शरीर को देखा, स्वप्न शरीर को देखा, और फिर उसके बाद वो जो गहरी सुसुप्ति है उसके बारे में जो उठ की खबर, तो उठ की ही खबर देते हैं, उस समय क्यों नहीं देते? जब गहरी नींद आती है और जब ये आत्मा सोती नहीं है
वेद उपनिषद बोलते हैं कि ये आत्मा कभी सोती नहीं है, कभी जन्मी नहीं है। तो ये जब सोती नहीं है, सदैव अपनी महिमा में है, तो फिर जिस समय गहरी नींद होती है शरीर को, उस समय ये क्यों नहीं घोषणा कर पाती है कि नींद बहुत अच्छी आ रही है इस समय? तो घोषणा करने वाली जो है वो इंद्रिय है, वो वाणी है, वो बुद्धि है, वो मन है, वो माध्यम से घोषणा हो रही है। जैसे मेरी आवाज है तो हर तक जा रही है, तो ये यंत्र माध्यम है। लेकिन क्या यंत्र मैं हूं? नहीं, यंत्र से मैं जुदा हूं। ऐसे ही वो जो चेतन शक्ति है इस वाणी से जुदा है, इस बुद्धि से जुदा है, सब कुछ है वो, लेकिन एक शरीर में एक ही अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि एक शरीर में एक बुद्धि, बुद्धि से ही अभिव्यक्ति होती है। समझ में आ रही बात? यदि जल जो है उसमें लहर उठी है, उस लहर को ये भान हो जाए कि मैं तो जल हूं, अब चाहे कितने टुकड़े होने दो, कितने बच्चे होने दो, कितने मरने दो, जन्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई सदग्रस्त है, उसको परमात्मा का ज्ञान हो गया, अब कोई उसके परिवार में जन्म ले दो, कोई मरने दो, कोई कुछ होने दो, क्या फर्क पड़ने का है? उसने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, अब क्या फर्क पड़ेगा कोई मर रहा है जन्म का? ये सारे फर्क जो है शरीर से पड़े हुए, ये चिंता सब शरीर की सताई है। जो कमाने के लिए मजबूर है ना, मैं चाहते हुए भी कमाना पड़ रहा है, क्यों? कि शरीर हमारे ऊपर ऐसा लद पड़ा है कि हर पल शिकायत कर रहा है, हर पल उसको निला रहे हैं, उठा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन उसकी शिकायतें कम होने को तैयार नहीं। देखो जीवन भर इसका पोषण हम करते हैं और आखिरी तरह शिकायत बढ़ती जाती है। और वो जो आत्मा है चेतन, सिर्फ उसको एक बार अनुभव करने के लिए, एक बार अनुभव हुआ और सारी शिकायतें निकल जाती। और इस शरीर को कितना हम सजाएं लेकिन शिकायतें बढ़ती चली जाती। देख लो मरते वक्त आदमी की क्या स्थिति हो जाती है, कितनी शिकायतें हो जाती है कि श्वास अपने आप नहीं लिया जाता, सिलेंडर लग जाते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है ना, खून अपने आप शरीर में चलता नहीं, मशीन चला रही है, शुद्ध नहीं हो रहा अपने आप, मशीन से साफ होकर के वापस डाला जा रहा है, ये सब शिकायतें आती है। अरे ये क्या बात, जब जीवन भर संभाला है तो 50 साल बाद तो बिल्कुल संभल ही जाना चाहिए ना, नहीं संभालना चाहिए? मगर नहीं संभलता। जैसे बगीचा है, इसको महीना भर आपका पूरा मेंटेन कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, आप छोड़ दो ये वातावरण बेकार हो, ये दृश्य का रूप का ये स्थित, लेकिन जो अरुण है, जो इनाम है, जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ है, जो सब में होकर के सबसे ज्यादा है, उसको सिर्फ जानना पड़ेगा। वो ऐसा परमात्मा है जिसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि भगवान मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, थोड़ा मेरा एक बच्चा हो जावे, मेरा पड़ोसी बीमार हो जावे, क्योंकि वो परेशान करता है, ये उसको बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको जानना और सब काम करना, ये वेदांत का बल है। इसको एक बार जानना पड़ता है और जानने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, लेकिन उसको जो जान सकते हैं, ऐसी सूक्ष्म बुद्धि हमें प्राप्त हो, उसके लिए कुछ प्रयोग हैं, साधन है, ध्यान है, प्राणायाम है, कीर्तन है, ये सब निष्काम कर्म है, ये सब योग्यता विकसित करते हैं। फिर तो ये इतने में बात नहीं, हमारी बुद्धि उस परमेश्वर को एक बार ऐसा उसे बना ले, फिर हर पल बोली, हर जगह बोली, परमात्मा एक देश ही नहीं, ऐसा नहीं कि मुसलमान का अलग भगवान है, हिंदू का अलग भगवान है, नहीं, वो रूप वाले भगवान अलग अलग होंगे, जैसे कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को, कोई माता जी को, वो रूप वाले भगवान, लेकिन वो किससे है? उसी से सब है, रूप से, वहीं से आए हैं, जितने अवतार उसी में से आते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, हम भी उसी में हैं, आप भी उसी में लीन होते हैं, उसको एक बार जान लेते हैं। ये सीधा हो मेरे दंड वो ढीला छोड़ सही, दृष्टि सीधी है, सहज है, इस समय भी आप वहीं पे हैं जहाँ परमेश्वर है, बस थोड़ा सा दृष्टि का है फेर है, लेकिन हैं सब पक्षी परमेश्वर वही है, थोड़ा सा है फेर, कभी ऐसा बैठा कि
निकाल के बैठने लगी। कोई दूरी नहीं है, कोई देरी नहीं। Thank you.